खो खो, हमारे फुटबॉल, हमारे जो खेल थे बहुत सस्ते खेल थे, उनकी बजाय विदेशी क्रिकेट को कितना लोगों ने महत्व दिया आप जानते हैं, और कितना सेलिब्रिटी के रूप में उनको उठाने लगे, उठाना शुरू कर दिया, जो हर किसी के खेलने के बस की है ही नहीं। पहले 10,000 की किट चाहिए, 10,000 गरीब के परिवार में होते तो मोदी साहब को शौचालय बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 70 साल तक घरों में शौचालय नहीं थे, तो वो क्रिकेट कहाँ खेलेंगे गरीबों के बच्चे। कभी छोटा हुआ करता था तो कभी सुना करते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे कि रसिया कहा करता था कि भारत का जवान अगर मुझे मिल जाए तो दुनिया के ऊपर में एक मिनट में फतेह प्राप्त कर लूं, विश्व गुरु जो रसिया होता था। तो भारत के नौजवान में इतनी शक्ति ताकत की, वो गुलामी की तस्दीकों ने उसको विलुप्त करने का प्रयास किया हमारी शक्ति को, जिसके कारण 800-900 साल गुलामी के उसमें जीते रहे। 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप जो प्रारंभ 27 तारीख से की जा रही है, उसमें फेडरेशन के हमारे चेयरमैन अध्यक्ष आदरणीय सुधांशु मित्तल जी, जिनके अथक प्रयास से इस गांव के मिट्टी को और दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है खो खो के माध्यम से। हमारे बीच मुझसे पूर्व में आदरणीय प्रदीप जी ने आप सबको संबोधन किया है, त्यागी जी हमारे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे बीच में हैं, सतवीर मलिक साहब जो दिल्ली खो खो एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, और पुनः एक बार सभी पत्रकार बंधु और मित्रों, स्पोर्ट्स की डेफिनेशन आप सब लोग हमसे ज्यादा बेटर जानते हैं, और भारत में जो स्थिति स्पोर्ट्स की रही है वो भारत की जो स्थिति डे बाय डे गुलामी के साथ विलुप्त होती चली गई वो भी एक चिंता का बहुत बड़ा विषय रहा है। इसीलिए स्पोर्ट्स का मतलब है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानसिकता, चरित्र निर्माण, टीम वर्क। आजकल जो हम एकल परिवार की तरफ भाग रहे हैं वो टीम वर्क करने की जो क्षमता लोगों की खत्म हो गई है और समाज विघटित हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के माध्यम से हम उसको जोड़ सकते हैं कि राष्ट्रवाद न जाति होती है, न धर्म होता है, न क्षेत्रवाद होता है, कुछ नहीं होता, केवल राष्ट्रवाद होता है। ये स्पोर्ट्स से हमें हमारी स्किल से निकल कर आता है स्पोर्ट्स के माध्यम से। लेकिन लंबी गुलामी के बाद लगभग 400-500 साल मुगल, दिल्ली सत्रत, सत्रत के बाद 150 साल अंग्रेज, तो ये हमारी अपना जो व्यक्तित्व उसको दबाकर गुलामी को हमारे ऊपर लाद दिया गया, गुलामी चिन्हित कर दी गई। खो खो, हमारे फुटबॉल, हमारे जो खेल थे बहुत सस्ते खेल थे, उनकी बजाय विदेशी क्रिकेट को कितना लोगों ने महत्व दिया आप जानते हैं, और कितना सेलिब्रिटी के रूप में उनको उठाने लगे, उठाना शुरू कर दिया, जो हर किसी के खेलने के बस की है ही नहीं। पहले 10,000 की किट चाहिए, 10,000 गरीब के परिवार में होते तो मोदी साहब को शौचालय बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 70 साल तक घरों में शौचालय नहीं थे, तो वो क्रिकेट कहाँ खेलेंगे गरीबों के बच्चे। तो मोदी साहब का जो विजन है खेलो इंडिया खेलो, सुधांशु जी के माध्यम से उसको पकड़ने के बाद किस प्रकार से एक सबका साथ सबका विकास, सबका विकास जो कहा है, तो सबका प्रयास साथ में होगा तभी भारत विकसित राष्ट्र के रूप में पहचाना जाएगा। तो हमारे फेडरेशन के चेयरमैन सुधांशु जी ने जो ये प्रयास किया है उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली ने इसको होस्ट किया है 56 जो खो खो चैंपियनशिप टूर्नामेंट, अभी जो 27 तारीख को जिसका विधिवत रूप से 4 बजे इनॉग्रेशन किया जाएगा आईजी स्टेडियम के अंदर, इसका प्रारंभ 27 तारीख को हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग करेंगे मित्रों। हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए केवल आपकी जानकारी में कि आपके माध्यम से, क्योंकि जो मीडिया होता है वो समाज के दर्पण को समाज तक पहुंचाने का काम करता है, समाज क्या चाहता है, क्या देखना चाहता है, समाज तक वो बात कैसे पहुंचे, वो मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचता है। इसीलिए मोदी साहब ने जो मात्र 2014 में 1219 करोड़ रुपया बजट स्पोर्ट्स के मामले में हुआ करता था, उसको बढ़ाकर डबल से भी ज्यादा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, वो टोटल बढ़ाकर उसको किया 3442 करोड़। आज जो स्पोर्ट्स का फंड है वो बच्चों के खेलने के लिए खेलो इंडिया खेलो के तहत 3442 करोड़ हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है, उसी का सहारा लेकर। और जो खो खो के बारे में मुझसे पहले त्यागी साहब ने जैसे कहा कि ये खेल ऐसा है कि जो गांव गली मोहल्ले में खेलकर और व्यक्ति के स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए, उसकी प्रतिभा को आगे जगाने के लिए आगे लेकर आएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये गेम्स होंगे, अच्छे बच्चे, स्वस्थ बच्चे निकल कर आएंगे। मैं कभी छोटा हुआ करता था तो कभी सुना करते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे
कि रसिया कहा करता था कि भारत का जवान अगर मुझे मिल जाए तो दुनिया के ऊपर मैं एक मिनट में फतेह प्राप्त कर लूं, विश्व गुरु जो रसिया होता था। तो भारत के नौजवान में इतनी शक्ति ताकत थी, वो गुलामी की तस्दीकों ने उसको विलुप्त करने का प्रयास किया हमारी शक्ति को, जिसके कारण 800-900 साल गुलामी के उसमें जीते रहे। ये स्पोर्ट्समैन की जो टैलेंट है, उसका स्पोर्ट्समैन का जो विजन है, उसको आगे बढ़ाने का काम स्पोर्ट्स के माध्यम से कर सकते हैं। उसकी जो क्षमता है, उसकी क्वालिटी को दबकर ना रह जाए गांव के माध्यम से। इसीलिए खो खो ऐसा खेल है, मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था गांव के अंदर 8वीं तक का स्कूल, तो ये खो खो ही खिलाया जाता था। आज शायद खो खो की तरफ कब ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लोगों के पास पश्चिमी सभ्यता पर हावी होते पैसा आने लगा है। तो पैसे के द्वारा खेले जाने वाले खेल कितने हैं, वो चंद देश के अंदर 10% लोग हैं जो उन खेलों को खेल सकते हैं। 90% लोग जो धन अभाव के कारण, व्यवस्था अभाव के कारण, जिनका स्किल तब कर रह जाता है, उसको उठाने का काम ये खो खो के माध्यम से, हमारी खो खो फेडरेशन के माध्यम से ये यहाँ पर किया जा रहा है। इसलिए मित्रों, आपके माध्यम से हम एक मास पार्टिसिपेशन इसमें रहे, इस खो खो के माध्यम से ये प्रयास जो किया जा रहा है प्रमोशन और उसका एक्सीलेंस जो जिसके माध्यम से हो, जिसमें टोटल मुझसे पहले जैसे त्यागी जी ने बताया है, यहाँ पर जो हमारी टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, लगभग 73 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, 1332 प्लेयर 37 स्टेट के यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आएंगे। उनका हम स्टेडियम के आसपास ही एक अच्छे भव्य रूप में, कि जिस प्रकार से एशियाड के गेम होते हैं, वो सोच करके हमारी फेडरेशन ने, दिल्ली खो खो एसोसिएशन ने व्यवस्थाएं की है कि प्लेयर्स को लगे आने वाले के बाद कि उनको सभी सुविधाएं हर तरह की हर रूप की मिले, उनको लगे कि अब गुलामी के चिन्हों को अगर मोदी जी मिटा रहे हैं तो भारत का नौजवान भी, भारत का स्पोर्ट्स स्किल रखने वाला व्यक्ति भी आगे बढ़ रहा है और उसकी तरफ लोग आए, सारी सुख सुविधाओं उसमें सब प्रकार की चिंता उनकी की जाएगी। खिलाड़ियों को आने के बाद उनकी इच्छा के अनुसार दिल्ली दर्शन की व्यवस्था भी हमारी खो खो एसोसिएशन के माध्यम से सहायता देकर उन सभी जो 37 राज्यों के खिलाड़ी यहाँ पर खेलने के लिए आ रहे, उनकी व्यवस्था करने की व्यवस्था की गई है। और उनकी यहाँ पर जो स्पोर्ट्समैन आएंगे, बच्चे आएंगे, उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान करते हुए मैं बहुत बहुत इस बात के लिए फेडरेशन के चेयरमैन और दिल्ली खो खो एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, फेडरेशन के पदाधिकारियों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग पर प्रधानमंत्री जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, तो खो खो का भी अपना, खो खो फेडरेशन का भी अपना, एक राम मंदिर के लिए, पुल के निर्माण के लिए, माता सीता को लाने के लिए गिलहरी जैसा योगदान है, उस योगदान को आगे बढ़ाने के लिए ये फेडरेशन काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। आपको मैं इतना ही कहकर, आपके मन में कोई प्रश्न है तो त्यागी जी हैं, प्रदीप जी हैं, वो उनके जानकारी देंगे, थोड़ा बहुत मुझे मालूम है मैं भी दूंगा। सुमित्रा महाजन जी हमारी जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष चीफ गेस्ट इसमें रहने वाली है, 27 तारीख को जो कार्यक्रम होगा हमारा, 27 को 4 बजे हम जिसको इग्नोरेशन करेंगे, नवनीत सहगल जी अध्यक्ष और श्री रामलाल जी हमारे संपर्क, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में हमारे रामलाल जी भी रहने वाले हैं। ये आपको जानकारी देने के लिए आज आपको कष्ट दिया है, आपके माध्यम से देश, दिल्ली और जनता तक ये बात पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद।